हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हैं, उसका रिव्यू और डेमो दोनों ही देने वाले हैं। ये एवर यूथ है पील ऑफ मास्क, 90 ग्राम की पैकेजिंग है और एमआरपी इसकी 105 रुपये है और 24 कैरेट गोल्ड भी है इसमें। ऑल स्किन टाइप है ये और ये पीछे की पैकेजिंग इस टाइप की है, वाइट की आगे से ये इस तरह ग्लो पील ऑफ मास्क लिखा है एवर यूथ। पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, आप इसको ट्रेवल अगर कर रहे हैं, कहीं ले जाना चाह रहे हैं तो आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूब में है। इस तरीके से इसका जो इस तरीके से ढक्कन खोलने वाला है काफ़ी टाइट है, आप इसको आराम से ले जा सकते हैं ट्रैवल में, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऑरेंज। इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें 24 कैरेट गोल्ड है, इसमें इस तरीके से है। फेस को आप अच्छे से लगाने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद ही लगाइए, मेकअप नहीं होना चाहिए। स्किन वाले पैच टेस्ट जरूर करें, चाहे वो होम रेमेडी हो चाहे वो मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करें। और जिसके ये फेस पे दाने हैं या कोई एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है फेस पे, वो पील ऑफ मास्क ये ना लगाएं। चलिए इसको लगाते हैं। उन्होंने मेंशन किया है कि इसको थिन लेयर लगाइए, लेकिन आप थोड़ा सा थिक लगाइए क्योंकि निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आईज से दूर रखना है इसको, इस तरीके से लगा लेना है आपको। थोड़ी सी थिक लेयर आप लगाइए और जिसके दाने हैं वो नहीं लगाएं, अगर लगाएं भी तो वो एरिया अपना छोड़ दें, दाने के ऊपर नहीं लगाना है आपको। एवर यूथ ये पील ऑफ मास्क मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगता है, क्योंकि आपको अर्जेंट कहीं जाना हो तो आप इसको लगा सकते हैं। आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। ये पैक पील ऑफ मास्क लग चुका है। उन्होंने मेंशन किया है कि 15 मिनट में ये पील ऑफ सूख जाता है, आप निकाल लीजिए, मगर 15 मिनट में ये पूरा ड्राई नहीं हो पाता है, टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाता है। मैंने कई बार अप्लाई किया है इसको, तो टाइम तो लगेगा, आधे घंटे के बाद मिलते हैं, सूखने देते हैं। आधा घंटा हो चुके हैं, देखिए आधा घंटा लगता है, आप इसको लगाने के बाद आपको आधा घंटा लगता है, आधा घंटे के ऊपर भी हो सकता है। चलिए इसको निकालते हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि आप 4-8 से ऊपर से, मतलब ऐसे निकालना है, 4-8 से आपको स्टार्ट करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको निकालना है इसको। आप अगर थिक लेयर लगा रहे हैं तो इसको आधा घंटा लगेगा ही, 15 मिनट में नहीं सूखेगा, आधा घंटे के ऊपर भी लग सकता है। अगर आप थिन लेयर लगा रहे हैं तो ये 15 मिनट में निकल जाएगा, 15 मिनट में सूख जाएगा और आप निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थिन लेयर लगाना चाहते हैं या थिक लेयर लगाना चाहते हैं। आपके पास जैसा टाइम हो, आपको थिन लेयर लगानी है तो आप 15 मिनट में इसको, 15 मिनट में ये थिन लेयर सूख जाएगा आराम से।
इस तरीके से निकालना है इसको। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। आराम से निकालना है आपको। देखिए निकल आया है कितनी आसानी से। देखिए फेस को अच्छे से क्लीन करता है। फेस मेरा थोड़ा सा शाइनी हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका एकदम सा मतलब फेस ग्लो करेगा, काफ़ी मतलब चमकने लगेगा, मगर आपका फेस कुछ हद तक मतलब फेस को क्लीन कर देगा। अच्छा मतलब ग्लो लाता है फेस पे। मुझे ये काफ़ी पसंद है। आप इसको मतलब पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं, पार्लर जाने का टाइम नहीं है, कुछ आप मतलब करना चाहते हैं तुरंत, मतलब फेस पे अगर अच्छा सा मतलब ग्लो और मतलब क्लीन फेस चाहते हैं तो आप इसको बस ट्राई करिए। मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज कर रही हूँ। जब मुझे कहीं अर्जेंट कहीं भी जाना होता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं रेडी होती हूँ, तो मतलब काफ़ी मतलब फेस पे काफ़ी ग्लो और क्लीन मतलब चेहरा आपको मिलेगा लगाने के बाद। मुझे काफ़ी पसंद है और आप एक बार ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा ये एवर काफ़ी हद तक क्लीन कर देता है स्किन। आप खुद देख पा रहे होंगे पहले से और बाद में जो स्किन है काफ़ी अच्छी मतलब ग्लो कर रही है स्किन। मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, अभी मैंने प्लेन वाटर भी यूज नहीं किया, मैं यूज भी नहीं करूँगी, थोड़ी देर ऐसे ही रखूँगी। मास्क निकालने के बाद ये हम टोनर यूज करेंगे, गुड वाइब्स का ये रोज ग्लो टोनर है। इसको थोड़ा सा प्लेन वाटर से नहीं मुझे मतलब क्लीन करना था तो इसलिए इसका थोड़ा सा यूज करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मेरे फेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे, तो मैं इसको यूज कर नहीं करा पा रहे हैं। अर्जेंट आपको जाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और देख पा रहे होंगे कितना मतलब क्लीन हो गया मेरा फेस। 1 ग्राम का है और 100 रुपये में आपको पड़ रहा है। अगर आप इसको 10 बार भी यूज कर रहे हैं तो 10 रुपये में इतना अच्छा गोल्डन मिला है और क्या चाहिए। 10 रुपये में पड़ेगा, आप इसको 10 बार यूज करिए, ये आपको 10 रुपये में पड़ने वाला है। स्किन वाले मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेंसिटिव स्किन वाले पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए फिर यूज करिए। इसमें पूरी अच्छे तरीके से इसमें पीछे मेंशन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए फिर यूज करिए। मैंने ये अमेजोन से लिया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑफलाइन लगाने के बाद थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ तो मैं इसको भी लगाऊंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी। आपको अगर पसंद है एलोवेरा जेल की जगह आप मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम जो यूज करते हैं वो लगा सकते हैं, तो मैं एलोवेरा थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाऊँगी। इसको इसी तरीके से मैं छोड़ दूँगी थोड़ा सा इस तरीके से, पूरे फेस पे लगाएंगे। बड़ा पैक नहीं लेना चाह रहे हैं एवर यूथ का तो आप पहले से या पाउच जो मिलता है आप उसको लेके ट्राई करिए, अगर आपको पसंद आए तो आप बड़ा पैक ले सकते हैं। मुझे कहीं जाना होता है, अर्जेंट कहीं जाना होता है तो मैं इसको यूज करती हूँ, या महीने 10 रुपये में फेसियल
वो भी गोल्डन ग्लो वाला फेसियल आपको मिलने वाला है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।